हेलो दोस्तों नमस्कार आदाब मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर एक नया केस लेकर आया हूँ और ये केस एक ऐसा केस है जिसको ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा और आखिरी कंडीशन कब कब डेवलप होती है कब कब ऐसा होता है उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और ये केस की कहानी शुरू होती है अब ये देख रहे हैं आप एनल इसकी खुली हुई है गोबर की जगह पूरी रिलैक्स्ड है बाहर आ रहा है यहाँ से और ये ऐसा लगता है कोई चीज़ बाहर निकली हुई है जो गोबर के रास्ते से बाहर है ये ये बाहर क्या है ये जब मांसपेशियाँ काम नहीं करती हैं इनके ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो ये शिथिल पड़ जाती हैं रिलैक्स हो जाती हैं और जब माशपेशियाँ शिथिल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं है, तो ये गोबर की जगह भी ढीली पड़ जाती है और ये जो निडल से पिक किया जा रहा है ये ये पिक करना जांच करना और देखना तो पूछ के अंदर मूवमेंट भी इसमें नहीं आता है ये कंडीशन होती है एक्सीडेंटल केस होते हैं एक्सीडेंट का रीज़न बहुत सारे होते हैं कि हमने पशु को ए करा रहे थे और पशु पीछे से गिर गया हम पशु को नेचुरल सर्विस करा रहे थे और पशु पीछे से गिर गया हम पशु को उतार रहे थे ट्रक से उतार रहे थे सवारी से उतार रहे थे पशु का पैर फिसल गया और ये पिछला हिस्सा ने काम करना छोड़ दिया आगे से देखने से ये पता चलता है ये पशु कहीं से भी बीमार नहीं है लेकिन जैसे ही पीछे जाएंगे तो मूवमेंट पूछ का कदम है मक्खियाँ मिलेंगी गोबर अपने आप निकलेगा या गोबर की जगह में एन एस में गोबर भरा हुआ मिलेगा यहाँ से लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं और चूँकि ये चेहरा मोहरा ठीक होता है और यहाँ बहुत लोगों के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है और किसान भी ट्रीटमेंट कराता है कि नहीं मेरा पशु तो बीमार ही नहीं है मेरे पशु को तो ठीक किया जा सकता है तो ये उन्हीं लोग के लिए वीडियो मैंने बनाई है जो लोग ये समझते हैं कि पशु को ठीक किया जा सकता है और इसका इलाज कराना चाहिए मैं ये बताना चाहूँगा ये देखिए मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ से इसका इलाज करना या कराना दोनों चीज़ों में गड़बड़ी है क्योंकि यहाँ से जो सिम्टम्स आ रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जो नस होती है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है पीछे से और जब डिस्कनेक्ट हो जाती है तो सारा कंट्रोल जो ब्रेन से होता है इस हिस्से के लिए वो कंट्रोलिंग पावर ही ख़त्म हो जाती है और उसका ठीक करना इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स भी बहुत मुश्किल है और यहाँ भी बहुत मुश्किल है आप देखते हो कि किसी आदमी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया ये टूट गई या स्पाइन कॉर्ड वहाँ से दब गई तो चारपाई पे लेटा रहता है उसका पेशाब भी अपने आने लगता है और उसका दोनों दोनों पैर नीचे के काम नहीं करते और बरसों तक वो आदमी चारपाई पे लेटा रहता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है जब निचला हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो वहाँ ह्यूमन बींग्स में भी ट्रीटमेंट नहीं है और यहाँ भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो यहाँ से लोग अवेयर हो जाएँ लोग जागरूक हो जैसे ही पता चले कि पूंछ का मूवमेंट नहीं है गोबर की जगह खुल गई है पिछला हिस्सा काम नहीं कर रहा है उठने की कोशिश आगे से कर पा रही है पीछे से उठने की कोशिश नहीं कर पा रही है तो यहाँ से इसको छोड़ देना चाहिए और यहाँ से इलाज करना मेरे हिसाब से कोई रिजल्ट नहीं आता मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ और अगर पिछला हिस्सा काम कर रहा है दोनों पैर चल रहे हैं पूछ चल रही है गोबर की जगह बंद है तो फिर आपका इलाज बनता है इलाज करना चाहिए और उस इलाज के उस टाइप के पशु लगभग ठीक हो जाते हैं वो इस, वो स्थिति इस को डाउनर काउ सुन्डर में आ जाती है